आखिर प्रभास ने क्यों मिलाया केजीएफ के डायरेक्टर के साथ हाथ? क्या एक्शन मूवीज टॉलीवुड के लिए साबित हो रही है वरदान? क्यों कॉपी कर रहा है बॉलीवुड टॉलीवुड की एक्शन मूवीज को? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रिया अरोरा। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज में, जहां हम आज बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिस पर बात तो सभी करना चाहते हैं लेकिन करते नहीं हैं। अरे नहीं, घबराइए नहीं, हम कोई ऐसे वैसे टॉपिक पर बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हमारी कॉपी करने की कला के बारे में। जब बचपन में हम नकल करते थे तो सब कहते थे कि नकल करना बुरी बात है। फिर जब हम थोड़ा और बड़े हुए तो सबको कहते सुना नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। बस इसी बात को हिंदी सिनेमा ने अपना आदर्श ही बना लिया। बॉलीवुड में रोहित शेट्टी ने साउथ सिनेमा की इतनी मूवीज़ का हिंदी रीमेक बना दिया है कि अब साउथ अपनी मूवीज़ को हिंदी में भी रिलीज़ करने लगा है। लेकिन कुछ ऐसे ही मूवीज़ भी हैं जो हिंदी में डब नहीं है और आगे भी आती रहेंगी। उसी में से एक एक्शन मूवी सलार है, जिसमें केजीएफ के डायरेक्टर प्रशांत नील ने प्रभास के साथ हाथ मिला लिया है और इस फिल्म में प्रभास बहुत ही खतरनाक अंदाज में नजर आने वाले हैं। प्रभास की फिल्म सलार का फर्स्ट लुक पोस्टर भी रिलीज हो गया है, जिसमें प्रभास बहुत ही डैशिंग और खतरनाक स्टाइल में दिख रहे हैं। प्रभास ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म का ये फर्स्ट लुक रिलीज किया है और इस पोस्टर पर फैंस ने खूब अच्छे से रिएक्ट भी किया है। प्रभास ने सलार का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा है, आज मैंने सलार की दुनिया में कदम रख दिया है। शूटिंग 21 जनवरी 2021 से शुरू की जा चुकी है। इस तरह प्रभास की फिल्म का पोस्टर रिलीज होते ही फैंस में जबरदस्त उत्साह है और वे इस तरह लगातार कमेंट भी कर रहे हैं। वैसे भी प्रभास का एक्शन अंदाज उनके फैंस को खूब पसंद आता है। प्रभास के पास इन दिनों बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और उनकी सभी फिल्में बड़े प्रोजेक्ट की फिल्में हैं। प्रभास की अगली फिल्म राधे श्याम है, जिसमें उनके साथ पूजा हेगड़े नजर आने वाली है। यही नहीं, वह ओम राउत के साथ आदि पुरुष भी कर रहे हैं, जो एक भव्य फिल्म होने वाली है। इसके बाद उनकी फिल्म दीपिका पादुकोण के साथ है, जिसको नाग अश्विनी डायरेक्ट कर रहे हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आज की स्क्रिप्ट राइटर है मनीषा जैन। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।